बंधुओं, जैसा कि आप सभी को पता है कि 9 सितंबर 2017 को सावित्री कॉलेज चौराहे पर एक कार एक्सीडेंट में अग्रवाल समाज के युवा दंपति शेखर गुप्ता और रीना गुप्ता की का निधन हो गया था। उस कार दुर्घटना के बाद में 10 सितंबर को उसकी सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज कराई गई। जो मुख्य आरोपी है उसके परिवारजन शुरू से उसको बचाने का प्रयास करते रहे। 15 सितंबर को अजमेर के तमाम अग्रवाल बंधुओं ने एकत्रित होकर डाक बंगले से जिला कलेक्टर तक रैली निकाली। जिला कलेक्टर महोदय को, SP साहब को, IG मैडम को हमने ज्ञापन देकर जो मुख्य आरोपी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। हमने इस संबंध में अजमेर के दोनों जनप्रतिनिधि सम्माननीय शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव जी देवनानी और महिला बाल विकास राज्य मंत्री अनिता जी बदेल से भी मुलाकात की और इसका परिणाम यह निकला कि जो मुख्य आरोपी और उसके परिवारजन इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे थे उनकी चाल कामयाब नहीं हो पाई और मुख्य आरोपी को पुलिस को अरेस्ट करना पड़ा। क्योंकि वेलेबल ऑफेंस था इसलिए उसकी जमानत हुई, परंतु जमानत होने के बाद जो आरोपी पक्ष है उनने अपनी अप्रोच का, क्योंकि वो शुरू से कह रहे थे कि हम ऊँचे रस्सू खाते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उन्होंने अपने ऊँचे रस्सू खात का फ़ायदा उठाते हुए जाँच अधिकारी बदलवा दिया। और ये जाँच जो अब तक सिविल लाइन थाना पुलिस कर रही थी उसमें जाँच अधिकारी सिविल लाइन थाना पुलिस की जगह जो मांगू सिंह जी सर्किल इंस्पेक्टर हैं उनके पास वो जाँच सुपुर्द करवा दी। मांगू सिंह जी के पास ये जाँच आने के बाद उनने इस मामले के जो तीनों चश्मदीद गवाह हैं उनको अपने पास फ़ोन करके बुलाया और एक तरह से धमकाने वाले अंदाज में उनको प्रताड़ित किया कि आप लोग अपने बयान बदल दो कि जो मुख्य आरोपी रोहन धमीजा है वो मौके पर नहीं था, यदि ऐसा नहीं करोगे तो आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जो तीनों गवाह है उनने इस संबंध में राजस्थान के गृहमंत्री आदरणीय गुलाबचंद जी कटारिया को, पुलिस महानिदेशक महोदय को, IG मैडम को, SP साहब को भी ज्ञापन दिया और अग्रवाल समाज के हम पदाधिकारियों को भी उन्होंने अपनी पीड़ा से अवगत कराया। अजमेर के तमाम अग्रवाल बंधुओं ने आज यहाँ एकत्रित होकर अपने प्रतिनिधिमंडल के रूप में जिला कलेक्टर महोदय को, SP महोदय को और IG मैडम को ज्ञापन दिया है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह अब तक निष्पक्ष जाँच हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है, उसी तरह जाँच आगे जारी रहनी चाहिए। और जो वर्तमान जांच अधिकारी मांगू सिंह जी है, यदि किसी भी प्रेशर से या किसी दबाव से या किसी भी लालच में जो गवाहों को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको अग्रवाल समाज अजमेर और अजमेर के तमाम अग्रवाल बंधु कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि निष्पक्ष जांच नहीं की गई और गवाहों को धमका गया तो मजबूरन पुनः अग्रवाल समाज अजमेर के लोगों को, तमाम प्रमुख अग्रवाल बंधुओं को उग्र आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने हमारी बात को ध्यान से सुनकर उन्होंने हाथों हाथ संबंधित अधिकारियों को फोन करके इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किए। शैलेंद्र अग्रवाल, अध्यक्ष अग्रवाल समाज अजमेर, इस आज के हमारे इस कार्यक्रम में अजमेर के तमाम अग्रवाल बंधु आदरणीय गिरधरलाल जी मंगल, आदरणीय राजेंद्र जी मित्तल, रामचंद्र जी बंसल सहित तमाम अग्रवाल बंधु शामिल हैं।